प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा जन चेतना पार्टी का जलवा, शक्तिशाली हुई शक्ति रानी, मेयर के पद पर लहराया परचम, 6 साल के बाद की जबरदस्त वापसी, भाजपा को दिया कांटे का टक्कर। कहते हैं कि किसी पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आज के समय में इस बात को शक्ति रानी शर्मा ने चरितार्थ करके दिखा दिया है। शक्ति रानी शर्मा ने पूरा दमखम दिखाते हुए भारी मतों से मेयर पद के लिए जीत हासिल की और बन गई अंबाला के शहरी निगम की मेयर। राजनीति में वापसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा ने लगभग 6 साल के बाद राजनीति की पिच पर वापसी की थी और विनोद शर्मा की तरफ से उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा मैदान में उतरी थी। 6 साल के बाद पार्टी ने वापसी करते हुए जबरदस्त तरीके से मेयर के पद पर कब्जा हासिल किया। विनोद शर्मा का जलवा आज भी बरकरार। नगर निगम चुनाव में पार्टी को मिली ये जीत बताती है कि विनोद शर्मा का जलवा आज भी लोगों के बीच में बरकरार है। बड़ी बात तो ये है कि विनोद शर्मा अंबाला में जहां कहीं भी जनसभाएं करते थे उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। मेहनत रंग लाई। हरियाणा जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा ने बेशक 6 साल के बाद वापसी की हो, लेकिन विनोद शर्मा ने चुनाव को जीतने के लिए मेहनत भरसक की। उनका पूरा परिवार चुनाव प्रचार के लिए जी जान से जुटा हुआ था। ये उनकी अथक मेहनत का ही असर है कि पार्टी मेयर पद के चुनाव को जीतने में कामयाब रही। कांटे की टक्कर। पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा शुरू से ही भाजपा को टक्कर मानते रहे और मैदान में जीत का इरादा लिए उतरे थे। एक ओर भाजपा ने जहां स्टार प्रचारकों का दमखम लगा दिया था, तो वही हरियाणा जन चेतना पार्टी की ओर से विनोद शर्मा और उनका परिवार प्रचार के मैदान में उतरा था। बहुओं की अहम भागीदारी। चुनाव की इस पूरी लड़ाई में विनोद शर्मा और शक्ति रानी के अलावा उनके बहुओं की भागीदारी भी सबसे अहम रही। बड़ी पुत्रवधू प्रीति शर्मा और छोटी पुत्रवधू ऐश्वर्या शर्मा ने बड़ी मेहनत से चुनाव के लिए प्रचार किया था। दोनों बहुएं सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के लिए डोर टू डोर प्रचार करती दिखाई भी दी थी। प्रथम तहलका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।